हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी प्रैक्टिकल वन देखेंगे, तो ये वीडियो आप जरूर देखना। इसमें हम सारे टेस्ट को आसान लैंग्वेज में समझेंगे, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का पेपर। तो फर्स्ट था डिफाइन करो और प्रिंसिपल लिखो डायग्नोस्टिक टेस्ट का। तो फर्स्ट है ग्राम स्टेनिंग एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग आप जानते हो, ये मतलब यूनिवर्सल टेस्ट है जो कि बैक्टीरियोलॉजी में यूज किया जाता है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन का ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ग्रुप। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन क्रिस्टल वायलेट कलर, हैंस अपियर डीप वायलेट और ब्लू इन कलर। जो ग्राम पॉजिटिव होता है ना, उनकी सेल वॉल काफी थिक लेयर की होती है और उनका प्रोटोप्लाज्म भी काफी एसिडिक नेचर का होता है। तो एक बार वो क्रिस्टल वायलेट को ले लेते हैं तो वो एंड तक वही रखते हैं, क्योंकि इसमें चार स्टेप होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। और ग्राम नेगेटिव वायलेट कलर को लॉस कर देता है जब डी कलराइजर यूज करते हैं। तो इसके मेन चार स्टेप होते हैं। पहला होता है क्रिस्टल वायलेट, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये इसमें हमने क्रिस्टल वायलेट डाला तो दोनों वायलेट हो गए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव भी। फिर हमने ग्राम आयोडीन डाला, फिर उसके बाद हमने डी कलराइज किया, तो ग्राम नेगेटिव तो डी कलराइज हो गए लेकिन ग्राम पॉजिटिव अभी भी वायलेट ही रहे। फिर हमने वापस सेफ्रिन डाला तो ग्राम नेगेटिव तो रेड हो गए और ये वायलेट के वायलेट ही रहे। तो ग्राम पॉजिटिव का ये है ग्राम स्टेनिंग है ये। आगे चलते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग। इसको जील नेल्सन स्टेन भी बोलते हैं। ये मतलब डिफरेंशिएटिंग टेस्ट है, एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करता है। ये मेनली माइकोबैक्टीरिया की करते हैं क्योंकि जो उसकी सेल वॉल होती है वो काफी थिक होती है और लिपिड और वैक्सी मटेरियल की बनी होती है, जो कि नॉर्मल स्टेन जैसे ग्राम स्टेन उसको क्रॉस पेनेट्रेट नहीं कर पाती है। इसलिए ये जीन नीलसन स्टेन यूज करते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग, जो कि क्रॉस कर जाती है। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल स्टेन आफ्टर ग्राम। स्पीसीज बिलोंग टू जीनस माइकोबैक्टीरियम डू नॉट स्टेन रीडली बाय सिंपल स्टेनिंग प्रोसीजर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैक्सी मटेरियल इन द सेल वॉल, क्योंकि उनकी सेल वॉल में वैक्सी मटेरियल होता है। इसमें प्राइमरी स्टेन होता है, वो होता है कार्बन फ्यूसिन, जो कि इजिली पेनेट्रेट कर जाता है। और एसिड फास्ट का ये मेन रिएजेंट यही है, कार्बन फ्यूसिन। आगे चलते हैं हॉटिस टेस्ट। तो ये मेस्टाइटिस को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। मेस्टाइटिस को हम मोस्ट कॉस्टली डिजीज भी बोलते हैं क्योंकि इससे नुकसान बहुत ज्यादा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हॉटिस टेस्ट क्या है। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्सिया, अगर वो मिल्क में प्रेजेंट होगा तो इट विल प्रोड्यूस कैनरी येल्लो कॉलोनीज। इसका ये करेक्टरिस्टिक फीचर है, ये कैनरी येल्लो कॉलोनीज देता है अलोंग द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब। इसमें हम क्या करते हैं, 0.5 ml ऑफ 0.5% एक्वस ब्रोमोक्रिसोल पर्पल सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद 9.5 ml ऑफ मिल्क इन स्टेराइल टेस्ट ट्यूब। दिस इज मिक्स्ड थोरोली एंड इनक्यूबेटेड फॉर 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर। इसका क्या है, कैनरी येल्लो कॉलोनीज देता है स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्सिया अगर मिल्क में प्रेजेंट हुआ तो। अगला क्वेश्चन हमारा वुड्स लैम्प टेस्ट। तो वुड्स एक साइंटिस्ट था, ये होता है वुड लैम्प और ये डॉग का इमेज है। या स्किन पे जो हेयर होता है ना, तो उसको आइडेंटिफाई डर्मेटोलॉजी में इसका काफी यूज होता है। इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट विल्सन वुड, फर्स्ट यूज्ड इन डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस। क्या होता है इसमें, वुड लैम्प लॉन्ग वेव यूवी रेडिएशन एमिशन इज जनरेटेड बाय हाई प्रेशर मर्करी आर्क फिटेड विद कंपाउंड मिक्स फिल्टर मेड ऑफ बेरियम सिलिकेट विद 9% निकल ऑक्साइड। तो इसका ये कमाल बेरियम सिलिकेट एंड निकल ऑक्साइड का, जो कि सिर्फ यूवी रेडिएशन को ही अलाउ करते हैं, बाकी कोई सी भी रे को अलाउ नहीं करते हैं। दिस फिल्टर इज ओपेक टू ऑल लाइट एक्सेप्ट फॉर ए बैंड बिटवीन ये, तो ये यूवी लाइट को ही जाने जाता है, बाकी सबके लिए ओपेक है ये।
The skin contains plethora of fluorescent compounds such as collagen, elastin, coenzyme, and many other which respond notably to UV light. If skin is intact or not influenced by disease, मतलब अगर स्किन इंटैक्ट है और कोई भी डिजीज नहीं है तो वो कैसा फ्लोरेंस आएगा? ब्लूइश। लेकिन अगर कोई डिजीज है, कोई डर्मेटोफाइट फंगल इन्फेक्शन हो रखा है, तो आपको अलग अलग कलर के दिखेंगे, आपको फ्लोरेसेंस आएगा। तो ये स्क्रीनिंग टूल है किसके लिए? डर्मेटोफाइट के लिए। और ये पेट एनिमल में काफी कॉमन है, ये इसकी काफी प्रैक्टिस होती है, पेट एनिमल में यूज होता है ये। सॉरी, उससे पहले एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, तो इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक डिस्क लेते हैं। डिस्क किसकी? बैक्टीरिया की बनी होती है डिस्क। उसको हम ये इकोलाई या अगार प्लेट में डालते हैं, तो जैसे ही डालेंगे ना तो बैक्टीरिया की ग्रोथ बंद हो जाती है। मतलब एंटीबायोटिक सेंसिटिव मतलब एंटी बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ कम कर देना। तो ये कितना कम कर देता है वही देखते हैं, कितना सेंसिटिव है। तो ये मेडिसिन में काफी यूज किया जाता है। जब किसी बैक्टीरियल डिजीज के एंटीबायोटिक मेडिसिन बनती है तब ये टेस्ट किया जाता है। मेडिसिन कितनी एफिशिएंसी है तो इससे पता चल जाता है कितना टेस्ट सेंसिटिव है। तो ये कल्चरल प्लेट है और ये इकोलाई का मीडिया हो सकता है। फिर बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन मीडियम, तो ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। जोन ऑफ इनहिबिशन, नो ग्रोथ। जैसे ही हमने ये एंटीबायोटिक डाली तो यहाँ उसकी ग्रोथ बंद होने लग गई। क्या इसको किर्बी बाउअर एंटीबायोटिक टेस्टिंग भी बोलते हैं, केबी टेस्टिंग, या डिस्क डिफ्यूजन एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्टिंग? डिस्क डिस्क में होती है हमारी एंटीबायोटिक, और डिफ्यूजन क्यों बोला है? जैसे हम डिस्क को अगार प्लेट में डालते हैं जहाँ बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है, तो वो डिस्क में जो एंटीबायोटिक होती है वो डिफ्यूज कर जाती है उसके अंदर। तो डिफ्यूजन एक घुलने का मतलब डिफ्यूजन होने का एक जरिया है फैलने का एंटीबायोटिक का, जिसको डिस्क डिफ्यूजन एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्ट भी बोलते हैं। विच यूजेज एंटीबायोटिक इम्प्रेगनेंट वेफर टू टेस्ट वेदर पर्टिकुलर बैक्टीरिया ससेप्टेबल टू स्पेसिफिक एंटीबायोटिक। तो जैसे ही हम डिस्क डालेंगे बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक की, तो हमें पता चल जाएगा कितना सेंसिटिव है ये। हाउ टू परफॉर्म केबी टेस्टिंग? द बेसिक्स आर इजी। द बैक्टीरियम इज स्वेब्ड ऑन द अगार एंड एंटीबायोटिक डिस्क आर प्लेस्ड ऑन द टॉप। तो बैक्टीरियम तो जो अगार में हो गई और एंटीबायोटिक डिस्क जो होगी उनके ऊपर रख देंगे। द एंटीबायोटिक डिफ्यूज फ्रॉम द डिस्क इन टू अगार इन डिक्रीजिंग अमाउंट द फर्दर इट इज अवे फ्रॉम द डिस्क। इफ द ऑर्गेनिज्म इज किल्ड और इनहिबिटेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक देर विल बी नो ग्रोथ इन द इमीडिएट एरिया अराउंड द डिस्क। दिस इज कॉल्ड जोन ऑफ इनहिबिशन। तो आपको पता ही एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करती है, तो डिस्क के आसपास आपको बैक्टीरिया की ग्रोथ बिल्कुल नहीं मिलेगी, उसको बोलते हैं जोन ऑफ इनहिबिशन। तो इसको केबी टेस्टिंग भी बोलते हैं, इन्होंने डिस्कवर किया था किर्बी एंड बोर ने। अगला क्वेश्चन है आरटीपीसीआर क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसमें क्या होता है, द आरएनए टेम्पलेज इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यूजिंग ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये आपको पता है जो हमारा पीसीआर होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो सिर्फ डीएनए को ही मल्टीपल कॉपी बना सकता है, आरएनए को नहीं। और हम जानते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मतलब जैसे कोरोना है, इसमें आरटीपीसीआर होता है क्योंकि इसका जीनोम के आरएनए है। तो हमें इसका टेस्टिंग करना, तो पहले हम आरएनए को डीएनए में करना होगा तभी तो हम पीसीआर कर पाएंगे। तो यह है आरटीपीसीआर। ये आप देख सकते हैं कोरोना में हम नाक से वो स्वैब लेते हैं, फिर उसकी पीसीआर करते हैं, क्यू रियल टाइम पीसीआर, आरटीपीसीआर वही है। फिर है कोगुलेज टेस्ट। 1 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, उसमें भी एक स्पीसीज है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। उसकी खासियत है कि वो कोगुलेज एंजाइम को प्रोड्यूस कर सकता है। कोगुलेज एंजाइम मतलब ब्लड की क्लोटिंग कर सकता है, तो उसी की आइडेंटिफिकेशन है। वो अदर स्पीसीज को डिफ्रेंशिएट कर सकता है स्टेफाइलोकोकस की जितनी भी स्पीसीज है स्टेफाइलोकोकस ओरियस से। दिस टेस्ट इज यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एस ओरियस
एंड अदर स्टेफेलोकोकस स्पीसीज, क्योंकि स्टेफेलोकोकस ओरियस कोगलेज एंजाइम प्रोड्यूस कर सकता है, बाकी इसकी स्पीसीज नहीं कर सकती है। तो ये कोगलेज टेस्ट हो गया। दिस टेस्ट इज डन बाय ट्यूब मेथड और स्लाइड मेथड। ट्यूब मेथड से भी होता है, स्लाइड मेथड से भी होता है। कोगलेज का क्या काम क्या होता है? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करना। तो कोगलेज पॉजिटिव तो दे देगा स्टेफेलोकोकस ओरियस, और कोगलेज नेगेटिव दे देगा ये। तो ये बैक्टीरिया की खासियत है, उसी के नाम पे ये टेस्ट पड़ गया कि कोगलेज एंजाइम निकालता है। तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन का जरिया है। एक तो था बाउंड कोगलेज टेस्ट, एक फ्री कोगलेज टेस्ट। जैसे ये स्टेफेलोकोकस ओरियस बॉडी में आ गया, तो अगर उसने अगर कोगलेज एंजाइम अगर उसी की बैक्टीरिया सेल्स अटैच है, तब तो बाउंड कोगलेज टेस्ट होगा। और अगर उसने सिक्रीट कर दिया, मतलब उससे अटैच नहीं है, तो फ्री कोगलेज टेस्ट होगा। तो ये क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगी। कोगलेज का काम ही है क्लॉट फॉर्मेशन करना। क्या आप देख सकते हो क्लॉट। आगे चलते हैं एस्कोली टेस्ट। एस्कोली एक साइंटिस्ट था। प्रपोज ए टेक्निक टू डिटेक्ट द थर्मोस्टेबल एंटीजन ऑफ बेसिलस एंथ्रासिस ऑर्गेनिज्म। मतलब ये एक यूज्ड इन सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ एंथ्रेक्स। तो एंथ्रेक्स में एक सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस के रूप में यूज होता है। सीरोलॉजिकल आगे मतलब एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होगी। तो दोनों की जब रिएक्शन होगी तो प्रेसिपिटेट बनेगा, और प्रेसिपिटेट कैसे बनता है? रिंग शेप का रिंग बन जाती है ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में। एंटीबॉडी प्रोड्यूस विजिबल प्रेसिपिटेंट व्हेन इट रिएक्ट विद एंटीजन। आप डायग्राम में देख सकते हो एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है। तो ये सीरोलॉजिकल टेस्ट है ना। आगे चलते हैं पेज। तो पेज को समझने से पहले उसकी हिस्ट्री को समझते हैं। पहले जानते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज सेपरेशन टेक्निक दैट बेस्ड ऑन मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। द टर्म इलेक्ट्रोफोरेसिस वाज गिवन बाय व्हिच कैरीड अवे टू कैरी द इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? टू सेपरेट द सेपरेशन करने की एक टेक्निक है। आया आगे जान। इसके ये टाइप है फ्री इलेक्ट्रोफोरेसिस, जॉन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें भी जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के भी तीन टाइप है, एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्टार्च और पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो पेज हमारा यही इंपॉर्टेंट है। पेज की फुल फॉर्म यही है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये एडवांस है एग्रोज एंड स्टार्च। तो ये इट इज ए सब टाइप ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वेयर बाय द नॉर्मल जेल इज रिप्लेस विद पॉलीक्रोमाइट जेल यूज एज ए सपोर्ट मीडिया। जेल्स आर मेड बाय दिस। इट इज मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो मोस्ट वाइडली यही यूज किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो इसके भी दो टाइप होते हैं, एसटीएस और नेटिव। तो एसटीएस उसमें भी ज्यादा एडवांस है। क्यों एडवांस है? क्योंकि नेटिव है जो कि सेपरेशन इज बेस्ड ऑन चार्ज साइज शेप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। लेकिन एसटीएस से किस बेसिस पे सेपरेट करता है? मॉलिकुलर वेट के बेसिस पे सेपरेट करता है। वेरी यूजफुल फॉर चेकिंग प्योरिटी ऑफ प्रोटीन सैंपल। ये था पूरा पेज की हिस्ट्री, प्रिंसिपल वगैरह। जर्म टेस्ट ट्यूब। तो जर्म ट्यूब जानते हो आप क्या होता है? जो स्पोर होता है उससे जो ट्यूब निकलती है उसको बोलते हैं जर्म ट्यूब। जर्म ट्यूब टेस्ट इज स्क्रीनिंग टेस्ट। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, इज यूज टू डिफ्रेंशिएट कैंडिडा एल्बिकन फ्रॉम अदर यीस्ट। तो ये डिफ्रेंशिएट करता था कैंडिडा एल्बिकन फ्रॉम अदर यीस्ट से। फॉर्मेशन ऑफ जर्म ट्यूब इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये किससे एसोसिएटेड है? इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। द जर्म ट्यूब सोल्यूशन कंटेन ट्रिप्टिक सोय ब्रोथ एंड फिटल बोवेन सीरम, इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इट इज लाइफलीज फॉर स्टेबिलिटी। जर्म ट्यूब इज वन ऑफ द वायरुलेंस फैक्टर ऑफ कैंडिडा एल्बिकन्स। दिस इज रेपिड टेस्ट फॉर प्रिजेम्पटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडा एल्बिकन्स। तो ये इनको डिफ्रेंशिएट कर देता है, और ये इसका प्रोसेस। आगे मेलिन टेस्ट। तो मेलिन टेस्ट एक सेंसिटिव टेस्ट है, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट की तरह समझ सकते हो आप। किसके लिए यूज किया जाता है? ग्लैंडर के लिए।
स्पेसिफिक क्लिनिकल टेस्ट फॉर ग्लैंडर, इट इज कॉमन बैक्टीरियल डिजीज कॉज बाय बर्कोडेरिया मेलाई, यूज टू डायग्नोज ग्लैंडर मेलेन, वॉज डिस्कवर्ड इन 1890 बिफोर। ये तो इसकी हिस्ट्री होगी। मेलिन इज ए प्योरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, तो मेलिन एक साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन। तो मेलिन एक ग्लाइकोप्रोटीन फ्रैक्शन है ऑफ बी मेलाई, इज यूजुअली इंजेक्टेड बाय आई ड्रॉप। तो ये एक जो हमें टेस्ट करना, जैसे ग्लैंडर है जो हॉर्सेस में होती है, तो उसके हम आई में डाल देते हैं, एक दो बूंद डाल देते हैं। इफ द एनिमल इज सफरिंग फ्रॉम ग्लैंडर, अगर वो सफर कर रहा है ग्लैंडर से, दे वुड हैव स्टार्टिंग प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज एट अलार्मिंग रेट। तो अगर सफर कर रहा है तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लग जाएगा, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट है। इफ एनिमल इज इन्फेक्टेड द एनिमल विल शो स्वेलिंग इन द आई फ्रॉम अराउंड 48 आवर्स ऑफ इंजेक्शन एंड मे अकम्पनी बाय सिक्रेशन एंड कंजक्टिविटीज। मेलिन इज नॉन टॉक्सिक टू नॉर्मल एनिमल, तो ये नॉर्मल एनिमल में नॉन टॉक्सिक है, मतलब कुछ भी इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर ग्लैंडर हो रखा है तो एंटीबॉडी बन रखी है, तो जैसे हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिक्रेशन होगा, टीयर्स आएंगे, कंजक्टिविटीज हो जाएगा। तो ये सब है, आप ये फोटो में देख सकते हो, ये आई मेलिन डालते हैं इसकी घोड़े की आंख में, अगर इसको अगर ग्लैंडर हो रखा है तो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो जाएगी, मतलब और इसका सिक्रेशन होगा आई में से, और अगर ये नॉर्मल होगा तो कुछ नहीं होगा, नॉन टॉक्सिक। आगे चलते हैं क्वेश्चन सेकंड। हाउ विल यू आइसोलेट एंड कंफर्म इटियोलॉजिकल एजेंट ऑफ कोलिकोबैसिलोसिस इन काफ्स थ्रू डिफरेंट लेबोरेटरी टेस्ट। तो लेबोरेटरी टेस्ट काफी होते हैं, बैक्टीरिया के जितने भी ग्राम स्टेनिंग वगैरह अगार भी सारे टेस्ट आ जाते हैं। तो पहले हमें बताना है इटियोलॉजी का एजेंट क्या है और उसको कैसे आइसोलेट करोगे और कैसे कंफर्म करोगे। चलिए देखते हैं करेक्टरिस्टिक फीचर इसकी। तो एंटेरिक कोलिको बेसिलोसिस, इसको काफ इसका और भी बोलते हैं, वाइट डायरिया, नियोनेटल डायरिया, और ये किसकी वजह से होता है, ई कोलाई की वजह से होता है। E. coli is the most important bacterial cause of diarrhea in the neonates during first week of life and cause most outbreak. Diarrhea is also present in septicemic colicobacillus. तो इसका etiology क्या है? E. coli. अब देखते हैं different laboratory test. तो tissue specimen for septicemic acids mild. तो पहला diagnostic है microscopy. तो microscope से देखें तो क्या दिखेगा हमें? By gram staining, they are appears as gram positive rod or coccobacilli. तो gram staining की और हमने माइक्रोस्कोप से देखा तो ये gram positive rod shape और coccobacilli है। Isolation and cultural examination, organism can be isolated in pure culture from small intestine. It produces pink color colonies in meconchi agar. तो ये पिंक कलर देगा जब मैकोंगी अगार में रिएक्शन करेगा। मेटालिक सीथ कॉलोनीज ऑन इओसिन मिथाइलिन ब्लू अगार, तो ये मेटालिक सीथ कॉलोनीज देगा कौन, किस पे, मिथाइलिन ब्लू अगार पर। फिर ट्रिपल सुगर आयरन अगार इज प्रोड्यूस एसिड सीट एंड एसिड बट विथ गैस। येलो इज ग्रीन कॉलोनीज इन ब्रिलियंट ग्रीन अगार, येलो कॉलोनीज इन जेएलडी अगार, ये भी इंपॉर्टेंट, येलो कॉलोनीज जेएलडी अगार। फिर बैक्टीरियल मोर्टिलिटी, इकोलाई मोटाइल बाई मीन्स ऑफ पेरिट्राइकस फ्लेजेला। कुछ बायोकेमिकल टेस्ट भी है, दे आर एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनएरोबिक। इसका इम्यून टेस्ट देखे थे तो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। अदर टेस्ट जैसे कि लैब टेक्निक फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटेरोटॉक्सिन, तो ये सब कुछ आपको लिखना था। फिर वाट इज स्टरलाइजेशन, डिस्क्राइब डिफरेंट फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। तो इसको डिटेल से समझते हैं स्टरलाइजेशन को। तो इट इज अ प्रोसेस विच एन आर्टिकल सरफेस और मीडियम इज मेड फ्री ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आइदर इट इज वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म। तो कंप्लीट फ्री ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पोर फॉर्म तक नहीं रहनी चाहिए, लेकिन डिस इन्फेक्शन में क्या होता है, स्पोर फॉर्म
को रख सकते हैं, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पैथोजन ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन बट नॉट नेसेसरीली स्पोर्स। स्टरलाइजेशन काफी खतरनाक प्रोसेस है, इसमें सारा कुछ स्टेराइल कर देता है। ऑल ऑर्गेनिज्म मे नॉट बी किल्ड बट नंबर ऑफ इज रिड्यूस्ड टू लेवल दैट नो लॉन्गर हार्मफुल टू हेल्थ। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए। तो क्या स्टरलाइज करना है? ऑल इंस्ट्रूमेंट दैट पेनेट्रेट सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन, इंस्ट्रूमेंट दैट आर नॉट इंटेंडेड टू पेनेट्रेट द टिश्यू बट दे मे कम इनटू कॉन्टेक्ट विद ओरल टिश्यू। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर में डैमेज द इंस्ट्रूमेंट देन स्टरलाइजेशन कैन बी रिप्लेस बाय डिसइंफेक्शन प्रोसीजर। तो अब आपको पता चल गया कि कब स्टरलाइजेशन करना है, कब डिसइंफेक्शन करना है। मतलब अगर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट उसको भी अगर डैमेज करने लग जाए तब हमें डिसइंफेक्शन करना है। सो व्हाई वी नीड स्टरलाइजेशन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ कॉजिंग इन्फेक्शन आर कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड ऑन द ह्यूमन बॉडी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टामिनेशन एंड इन्फेक्शन। द एम ऑफ स्टरलाइजेशन इज टू रिमूव और डिस्ट्रॉय देम फ्रॉम मटेरियल। हाउ कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी किल्ड? तो कैसे किल कर सकते हैं, कैसे स्टरलाइजेशन होता है? तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, अगर वेट हीट या इथाइलिन ऑक्साइड का यूज करेंगे तो प्रोटीन को डीनेचर कर देगा। फिर ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा? ड्राई हीट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, फिल्ट्रेशन, इंटरप्शन ऑफ डीएनए सिंथेसिस जैसे कि रेडिएशन से, इंटरफेरेंस विद प्रोटीन सिंथेसिस जैसे ब्लीचिंग एजेंट, डिसरप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन जैसे फिनॉल। तो फिजिकल मेथड में आते हैं सनलाइट, हीट, हीट में भी आते हैं ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन। हाउ टू स्टरलाइज? तो कौन से मटेरियल पे, कौन से मेथड से करते हैं? इनोकुलेटिंग वायर्स एंड लूप्स रेड हीट से होता है। ग्लासवेयर, सिरिंजेस, पेट्री डिशेस, टेस्ट ट्यूब्स, फ्लास्क, ये हॉट एयर ऑन मेथड से होता है। डिस्पोजल सिरिंजेस एंड अदर डिस्पोजेबल आइटम, गामा रेडिएशन, कल्चर मीडिया, ऑटोक्लेविंग, कल्चर मीडिया कंटेनिंग सीरम एंड एग, ये टिंडलाइजेशन, टॉक्सिन सीरम अगार्ड, फिल्ट्रेशन, साइटोसिस्ट स्कोप एंड एंडोस्कोप, ग्लूटरल्डिहाइड, इन्फेक्टेड सॉइल ड्रेसिंग, इंसिनेशन, स्किन आयोडीन एंड अल्कोहल मिल्क का पास्चुराइजेशन। तो ये था स्टरलाइजेशन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल मटेरियल एंड मटेरियल रिक्वायर्ड एंड प्रोसीजर फॉर आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए फ्रॉम बैक्टीरियल स्पीसीज ऑफ पीसीआई मेथड। पीसीआई क्या होता है? तो ये होता है फिनॉल, क्लोरोफॉर्म एंड आइसोमाइल। पीसीआई आर द थ्री बेसिक एंड इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट यूज्ड इन प्रेजेंट मेथड विच रिलाइज ऑन डीएनए प्रेसिपिटेशन यूजिंग अल्कोहल। इट इज एब्रिवेटेड एज पीसीआई डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड। पीसीआई क्यों बोला? क्योंकि इसमें हमने फिनॉल, क्लोरोफॉर्म एंड आइसोमाइल अल्कोहल यूज किया है। इसमें रिएजेंट देखें तो ट्रीस, एडिटा, एसटीएस, एनएसीएल, इनके क्या फंक्शन होते हैं वो देख लेते हैं। ट्रीस क्या करता है? इट मेंटेन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन एंड आल्सो परमलाइज द सेल मेम्ब्रेन। एडिटा क्या करता है? इट इज चेलेटिंग एजेंट एंड ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ डीएनएज एंजाइम। एसटीएस क्या करता है? ये एनायनिक डिटर्जेंट है जो कि डीनेचुरेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन में हेल्प करता है। एनएसएल प्रिवेंट डीएनए डीनेचुरेशन। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोटेक्ट डीएनए फ्रॉम मिक्सिंग विद अदर सेल ऑर्गेनल्स। ओटी बफर क्या करता है? डिजोल्व डीएनए। तो प्रिंसिपल देखते हैं। द आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेल इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोसीजर इन कंटेम्प्रेरी मॉलिकुलर बायोलॉजी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। द आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया इज रिलेटिवली सिंपल प्रोसेस। द ऑर्गेनिज्म टू बी यूज्ड शुड बी ग्रोन इन फेवरेबल मीडियम एट एन ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड शुड बी हार्वेस्टेड इन अ लेट लॉग टू अर्ली स्टेशनरी फेज ऑफ मैक्सिमम यील्ड। द जीनोमिक डीएनए आइसोलेशन नीड्स टू बी सेपरेट टोटल डीएनए फ्रॉम आरएनए, प्रोटीन, लिपिड एटसेट्रा। इनिशियली द सेल मेम्ब्रेन मस्ट बी डिस्टर्ब्ड इन ऑर्डर टू रिलीज डीएनए इन एक्सट्रैक्शन बफर। फिर एसटीएस का यूज है, वन सेल इज डिस्टर्ब्ड। फिर डीएनए कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एंडोजिनस न्यूक्लियसेस। तो जो भी हमने अभी रिएजेंट देखे हैं उनका फंक्शन का यूज कराते हुए
हमें आइसोलेट करना है डीएनए को। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, पहले तो हमें सेल वॉल को ब्रेक करना है, सेल मेम्ब्रेन को फिर ब्रेक करना है, फिर जैसे सेल एक्सट्रैक्ट मिलेगा उसका सेंट्रीफिकेशन करना है। तो सेंट्रीफिकेशन हमें बार बार करना है, क्योंकि जो प्लेट मिलेगा उसी का हम डीएनए निकलेगा, फिर डीएनए आरएनए प्लेट और सेल डेब्रीज। मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है? एल्बी ब्रोथ, बैक्टीरियल सेल्स तो चाहिए, रिएजेंट, टी, बफर, 10% SDS, प्रोटीनेज के, फिनोल, क्लोरोफॉर्म मिक्सचर, 5 m सोडियम एसिटेट, आइसोप्रोपेनॉल, 70% इथेनॉल, ऑटोक्लेव्ड डिस्टिल वाटर, इपेंड्रॉप ट्यूब, 1.5 ml, माइक्रोपिपेट, माइक्रो टिप्स एंड सेंट्रीफ्यूज मशीन। तो ये मटेरियल हमें चाहिए। फिर प्रोसीजर की बात करें तो 2 ml ओवरनाइट कल्चर इज टेकन एंड सेल्स आर हार्वेस्टेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन फॉर 10 मिनट। फिर 875 माइक्रोलीटर ऑफ टी बफर इज एडेड टू द सेल पैलेट। तो ये इतना फिक्स अमाउंट में कैसे ऐड करते हैं? ये विद द हेल्प ऑफ माइक्रो पिपेट एंड माइक्रो टिप्स की हेल्प से हम इतना फिक्स अमाउंट में ले सकते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। द सेल्स आर रीसस्पेंडेड इन द बफर बाय जेंटल मिक्सिंग 100 माइक्रोलीटर ऑफ 10% एसडीएस एंड। तो ये कॉम्पोजिशन इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम ये इंस्ट्रूमेंट काम आता है हमारा, माइक्रो पिपेट एंड माइक्रो टिप्स। द अबव मिक्सर इज मिक्सड वेल एंड इनक्यूबेटेड 37 डिग्री सेल्सियस फॉर एन आवर इनक्यूबेटर। फिर 1 ml फिनॉल क्लोरोफॉर्म मिक्सर इज एडेड टू कंटेंट मिक्सड वेल बाय इन्वेस्टिंग एंड इनक्यूबेटेड एट रूम टेम्परेचर ऑफ 5 मिनट। कंटेंट्स आर सेंट्रीफ्यूज्ड एट 10,000 आरपीएम फॉर 10 मिनट एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट है। फिर द हाईली विस्कस जेली लाइक सुपर नेटेंट इज कलेक्टेड यूजिंग टिप्स एंड इज ट्रांसफर टू फ्रेश ट्यूब। द प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन विद फिनॉल क्लोरोफॉर्म मिक्सर एंड द सुपर नेटेंट इज कलेक्टेड इन ए फ्रेश ट्यूब। फिर वापस 100 माइक्रोलीटर ऑफ 5 m सोडियम एसिटेट इज एडेड टू कंटेंट एंड इट्स मिक्सड जेंटली। 2 ml ऑफ आइसोप्रोपेनॉल इज एडेड एंड मिक्स जेंटली बाई इनवर्जन टिल वाइट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए प्रेसिपिटेट आउट। द कंटेंट आर सेंट्रीफ्यूज्ड एट 5000 आरपीएम फॉर 10 मिनट। तो पहले तो हमने कहा था 10,000, इस बार हम 5000 आरपीएम पे कर रहे हैं। द सुपर नेटेंट इज रिमूव्ड एंड 1 ml 70% इथेनॉल इज एडेड। फिर वापस से इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं 5000 आरपीएम फॉर 10 मिनट। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन का क्या काम होता है? जो सॉल्यूशन होता है उसको पेलेट की फॉर्म में ले आता है, जो डीएनए होता है ना उसको। फिर आफ्टर ड्राइंग फॉर 5 मिनट 100 माइक्रोलीटर ऑफ टी बफर एंड डिस्टिल। तो ये प्रैक्टिकल करने पर ही ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत सारे रिएजेंट यूज होते हैं, तो इसको प्रैक्टिकल करने से ही समझ में आता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब डिफरेंट टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एजेंट कॉजिंग एंटेरोटॉक्सीमिया। तो एंटेरोटॉक्सीमिया को हम ओवर ईटिंग डिजीज भी बोलते हैं और पल्पी किडनी डिजीज भी बोलते हैं। इट इज कॉज बाय 2 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस। द स्ट्रेन्स आर टर्म टाइप सी एंड डी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एंटेरोटॉक्सीमिया है क्या, ये ओवर ईटिंग डिजीज और किससे कॉज होती है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस। इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखते हैं। इसका हम स्पेसिमेन क्या होता है? फिकल सैंपल होता है, इंटेस्टाइनल कंटेंट या फिकल सैंपल होता है। फिर इसको पहला डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी इन एंटेरोटॉक्सीमिया। ग्राम स्टेन कंटेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफन कंटेन लार्ज नंबर ऑफ ग्राम पॉजिटिव रोड अकर आइदर सिंगली इन पेयर एंड शॉर्ट चेन। तो स्पोर सेंट्रल टर्मिनल ये होता है। आइसोलेशन एंड कल्चरल एग्जामिनेशन। तो ग्रो वेल ऑन ऑर्डिनरी मीडिया टेम्परेचर इतना। फिर ऑन सॉलिड मीडिया द कॉलोनीज आर इतना डायमीटर स्मूथ इवनली कॉन्वेक्स एंड ओपेक। ऑन ब्लड अगर राउंड कॉलोनीज ऑफ स्मूथ स्ट्रेन। फिर बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक देखे तो सेक्रोलाइटिक ऑन रॉबर्टसन मीट मीडियम इनकुक्ड मीट मीडियम द मीट बिकम पिंक एंड इट नॉट डाइजेस्ट। फिर है स्टोर में क्लॉट फॉर्मेशन। ये एक लिटमस मिल्क मीडियम इनोकुलेटेड विद सी परफिंजेस गिव्स द क्लासिकल स्टोर में फर्मेंटेशन।
एक एनिमल इनोकुलेशन टेस्ट, एक इंट्राडर्मल टेस्ट, मॉलिकुलर मेथड, साइटोपैथिक सीपी। इसके दो इम्पोर्टेंट टेस्ट है, वो है नेगलर रिएक्शन एंड रिवर्स कैंप टेस्ट। ये काफी यूज किए जाते हैं। नेगलर रिएक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक योक अगार एंटीटॉक्सिन स्पेसिफिकली फॉर अल्फा टॉक्सिन अप्लाइड टू अगार स्ट्रिक ऑफ क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस लेसिथिनेस एक्टिविटी न्यूट्रलाइज बाय एंटीटॉक्सिन। तो ये हम अच्छे से देख चुके हैं नेगलर रिएक्शन क्या होता है। तो ये स्पेसिफिक टेस्ट है किसके लिए, क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस के लिए। और ये रिवर्स कैम्प टेस्ट भी है, इसमें क्या होता है, कैम पॉजिटिव ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस इज स्ट्रिक्ट इन द सेंटर ऑफ सी ब्लड अगार एंड क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस इज स्ट्रिक्ट परपेंडिकुलर टू इट फॉलोइंग इंक्यूबेशन एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 to 48 आवर्स इन एनएरोबिक कंडीशन। तो ये दो इम्पोर्टेंट टेस्ट है किसके लिए, एंटेरोटॉक्सीमिया के लिए, नेगलर रिएक्शन एंड रिवर्स कैम्प टेस्ट। सो थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो